Hello well wishers, after so damn long I am starting the vlog. So I was taking my own time, काफ़ी चीज़ें चल रही थी घर पे, थोड़ा सा settle down कर रही थी मैं चीज़ों को, so इसीलिए इस बार थोड़ा सा लेट आया है vlog, but now I'll be consistent from this month. So आपको बहुत सारा content मिलने वाला है, so stay tuned. And इस बार रक्षाबंधन is dicey because मेरे भाई की लाइफ में अब दूसरी प्रायोरिटीज आ गई हैं. सो यस, सो आज 31st है एंड हम लोग जा रहे हैं गोवा. सो हमारे पूरी अडवानी फैमिली, लाइक माय साइड ऑफ कजिन्स, वी हैव लाइक 13 कजिन्स इन टोटल, चाचू चाची उनके बच्चे, देन बच्चे के बच्चे, एवरीबॉडी इज गोइंग टू गोवा फॉर लाइक 4 days एंड बहुत मजा आने वाला है. So I'm gonna take you along and we are going to enjoy fully. अभी मैं प्रतीक के क्लोथ्स ही स्टीम ऑन कर रही थी, प्रतीक भी चलेगा. सो गाइस, कल मैंने इसकी वार्डरोब बनाई है प्रतीक की एंड ये वाला पार्ट इज स्टिल अंडू, बाकी ये मैंने पूरा अच्छे से सेट कर दिया है. ये भी उसको लेके जाना है, बाकी बहुत सॉर्टेड लगता है जब मैं प्रतीक के आउटफिट्स ऐसे रख देती हूँ ना, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन वाली वाली बात है क्योंकि उसके कपड़े बहुत हैं. गाइस मैं एक बहुत ही इजी हैक बताती हूँ, जैसे हैक नहीं है मतलब मैं करती हूँ, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी ट्राई किया कि नहीं, मेरे नोज़ पे मैं वैक्सिंग कराती हूँ. ओके, सो ब्लैक हेड, जितने भी वाइट हेड्स होते हैं वो नोज से हट जाते हैं. सो अभी भी मैंने थोड़े दिन पहले वैक्सिंग कराई थी, बट क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा योगा एंड ऑल कर रही हूँ तो मेरे पसीना बहुत आता है. आई हैव नोज ऑब्सेशन कि मेरी नोज़ एकदम चमकनी चाहिए. सो आई एम ट्राइंग दिस वीट. और मैं नोज़ मैं लॉकडाउन में ये करती थी बिकॉज लॉकडाउन में कोई पार्लर्स फैसिलिटी नहीं होती थी एंड मुझे सिर्फ यही समझ में आता था. सो मैं ना डू हेयर, लेट मी शो यू. तो अभी कुछ है नहीं, नो हेयर केम आउट, बट क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही नोज पे वैक्स कराया था तो हेयर वेयर चल गए, बट हाँ मुझे लगता है कि मेरे ब्लैक हेड्स आ जाते हैं. आप देख सकते हैं हम लोग की बैग की पैकिंग हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं अब और ये निशा अडवाणी इज गेटिंग रेडी. और इस कप्तान ड्रेस की बहुत ज्यादा डिमांड रही गाइस, मुझे मालूम है बहुत लोगों ने क्वेरी करी, मैंने 20 पीस बेचे, मैंने पूरी मेहनत करी कि मैं और लेके आऊं बट नहीं आ पाया गाइस. लाइट, हम लोग रेडी है, आज प्रतीक की बुआ आई है तो अभी मैं थाली सजाऊंगी बहुत जल्दी और फिर चलते हैं राखी बंधवाते हैं. बुआ ने मेरे लिए वो भी लाया है, लूम्बा जी, नेहा दीदी, थैंक यू नेहा दीदी, प्रदीप की सिस्टर खुशबू दीदी उनसे, और खुशबू दीदी भी, उन्होंने मेरे लिए लूम्बा भेजा है तो वो मैं बुआ से बनवाऊंगी. सो लेट्स गो डाउन. सो व्हाई आर यू गोइंग डाउन? नॉट गोइंग डाउन, बस 2 मिनट लगेगा इनके गर्ल्स के, 2 मिनट खत्म नहीं होते गाइस. सो ये मिलते हैं हम लोग 2 घंटे बाद. राखी देखो कितनी सुंदर सुंदर है, बुआ दिखाइएगा. ये राखी कितनी अच्छी लग रही है, इन राखी को मैं, ये राखी बहुत सुंदर है, नेक्स्ट राखी में भेज दूंगा. बहुत सारा पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, उसी राखी उसी पैसों से फिर आगे पास ऑन कर दूंगा. वाह वाह वाह, बहना ने भाई पापा कलर तो बड़ा अच्छा लग रहा है. अरे वाह क्या बात, रेशम की डोरी से. अरे वाह, अब रेशम नहीं, कैसे दो ही रेशम. स्टाइलिश लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गुड. मुझे पहली बार कोई लूम्बा बांध रहा है, पता है. अच्छा, वाह गुड. तभी गाइस मैं बोलता हूँ कफ्तान्स पहनिए, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कंफर्टेबल और इन सब चीजों से बच जाते हैं आप. सो गाइस, हाय प्रतीक, आर यू एक्साइटेड टू गो विद माय अडवाणी खानदान? वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो टू गोवा विद योर विद माय लॉस और खुद जमेगा रंग जब सब मिल बैठेंगे. यार अंकल आप क्यों कष्ट ले रहे हैं हम लोगों के लिए? स्मार्ट हो गए अंकल, क्या बात है, इतनी देर लगा दी. अरे तो आप रुके क्यों हैं? हस्ती यार, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती नहीं है यार, रुकी हुई है.
चलिए बट अंकल आज भी भीड़ है, मतलब रक्षा दिन बंधन वाले दिन भी यहाँ अंकल जाते हैं, भीड़ हो जाती है। हाँ वाह, ऐड वाला पहन लिया। हाँ अच्छा लग रहा था। मेरी भी दुकान है, बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, जू एंड डी प्रमोशन कर रही है। कंप्यूटर हम भी कॉर्डसेट बेचते हैं। डायरेक्ट प्रतीक के शोरूम के ऑपोजिट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही शॉप है गाइस। हाँ। कोई फर्क नहीं है। हाँ। कुछ खाना हो तो सेलिब्रेशन, कुछ लेना हो तो सदभोग। प्रमोट करिए राजशुकम के न्यू फैंसी स्टोर। ओके, प्रतीक सर की शॉप के सामने, ठीक सामने मेरी शॉप। ठीक है डन। अंकल ये तभी जाएगा जब आप पूरी ट्रिप पे मुझे कंटेंट देंगे। बहुत आएंगे। बस बस बस। सो गाइस सब आ चुकी है सारी सभा, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देना है। सुन रहे हैं, सुनो, अच्छा कंटेंट देना है। चलो डन। करो बच्चे लोग, क्या है आवाजें निकालते हैं यही, जब तुम्हारा होगा ना तुम्हें पता चलेगा। नहीं होना चाहिए यही होगा, और तुम्हारा तो और तेज। तुमने अपनी हंसी देखी है? मत करिए, आपको शोभा नहीं देता। चलो क्या फ्लाइट है। प्रवीर, व्हाट आर यू डूइंग? मसाजिंग। लैंडेड इन गोवा फाइनली, एंड पूरी फैमिली आ रही है पीछे, और हम लोगों ने बहुत बड़ी बस करी है बिकॉज वी आर 30 ऑल टुगेदर 30 गाइज। अभी बहुत कुछ प्लान्ड अप है, राखी नहीं बनाई है हम लोगों ने, सो हम लोग आपस में भी राखी टाइम करेंगे। फिलहाल हम लोग बस में जा रहे हैं आपके सो लॉन्ग। सो गाइज ये हमारी बस, सब लोग छोटे बैग आगे दे दो, छोटे बैग आगे। अरे मेरा जय सिया राम जी भाई। जय सिया राम, जय चोस, चाय चोस। गोवा आके भी चाय, चाय चोस हो रहा है। गोवा आके भी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मॉमी, हैप्पी बर्थडे। गर्ल्स तुम लोग सब लोग अपना नाम बताओ एक एक करके। मेरी सिस्टर सब एक एक करके नाम बताओ। बोलो हाय हाय हर्षी, हर्षिका, हाय आई एम गोल, सिमरन। बोलो सर तुम खुशी, खुशी, आर वी रेडी टू हैव फन? आओ प्रतु यार एक काम करें, पहले लगेज हटवा लेते हैं। Coffee cups and cigarettes laying around the room, I don't mind a little mess. So guys अभी हम लोगों ने रूम में चेक इन कर लिया है, एंड यहाँ पे बिस्लेरी वाटर होता है, सो आई डोंट लाइक टू ड्रिंक बिस्लेरी वाटर। पता नहीं मेरा पर्सनली बिस्लेरी वाटर से पेट काफी ब्लोट हो जाता है, तो मैंने अभी RO वाटर मंगवाया है। और मुझे लगता है बिस्लेरी वाटर बहुत पड़ा होता है, मतलब बॉटल में पड़ा बड़ा बासी हो जाता है पानी, मुझे सूट नहीं करता है। 7 घंटे लग गए लखनऊ से गोवा पहुंचने में, बट बहुत मजा आया। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अच्छा सा डिनर करने, सो हम गोना गो एंड चेंज। सो गाइज आई एम रेडी, एंड दिस आर द राखी, सो राखी बांधूंगी। एंड ये मेरी एक्चुअली एक कुर्ती है जिसको मैंने ड्रेस पे बनाया हुआ है, सो आई गेस अच्छा लग रहा है। किसी को ब्लू मून के बारे में पता है? आज ब्लू मून डे है, मैनिफेस्ट कर लो, जो मांगोगे पूरा हो जाएगा। प्रतीक तुम डांस करोगे मेरे साथ? डेफिनेटली, क्यों नहीं करेंगे। हम तो गाइस यहाँ पे बांधने वाले हैं राखी, और अभी मेरी बुआ ने राखी नहीं बांधी है, मैंने नहीं बांधी है, तो हम सब साथ में बांधेंगे। You think that we want today, won't be scared of falling down no more, so take me away. राखी 11 बजे राखी बंधवा रहे हैं। कौन सी राखी? दिखाओ दिखाओ, वाओ वेरी। रोहन कितनी एज है तुम्हारी? और क्या राखी बांध रहे तुम्हें? वेरी क्यूट,
वेरी गुड वेरी गुड। हाँ स्पेशल स्पेशल अभी और भी अनोखी राखी है। ऐसी गार्ड करना नहीं है मेरी। रोहन सिर्फ यही एक डिसेंट राखी बन देगी तुम्हें। So after 4 years, I was tying Rakhi to all my brothers and बहुत अच्छा फील हुआ। हमें सारे siblings like after 20 years इतने साथ आए हैं and बहुत enjoy करा हम लोगों ने। And आगे के भी vlogs आप देखना। Also the Raksha Bandhan was so auspicious and so precious this time and this moment को मैं हमेशा याद रखूँगी जहाँ पर मैंने अपने सारे भाइयों को एक साथ राखी बांधी। And happy Raksha Bandhan to all of you. Lights falling too fast, I know if I'm wrong.